हेलो गाइस, मैं प्रवीण कौरव, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके अपने परिवार संदीप सर जीके में। सो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है, ये जो हमारा सेशन है कंप्यूटर से रिलेटेड है, और एक बार आप देख लीजिएगा, टाइमिंग देख लीजिएगा, देखिएगा हमारा सेशन, अब हमारी जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल कंटिन्यूस चालू रहेंगी, है ना। जैसा कि अभी आपने देखा था कि कोविड-19 की वजह से क्लासेस हो नहीं पा रही थी, लेकिन अभी आप देखिएगा 10 AM पे मॉर्निंग में हमारी क्या है, साइंस की क्लास चल रही है, आज से बिल्कुल रेगुलर शुरू हो गई है। और अभी जो 12 PM पे ये देखिएगा, अभी क्या है, ये कंप्यूटर की क्लास है गाइस, है ना। ये पर डे ऐसे ही हमारा क्या रहेगा, सेशन रहेगा इसका। चलिएगा एक बार थम्सअप कर दीजिएगा, वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए एक बार थम्सअप कर दीजिएगा, वॉइस क्लियर है यार। शेयर कर दीजिएगा सेशन को, शेयर कर दीजिए ताकि हमारे सारे साथी सारे लोग आ जाएं। सेशन को शेयर कर दीजिएगा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए सेशन को शेयर कर लीजिएगा, देखिएगा एक बार टाइमिंग देख लीजिएगा, है ना। ये अब हमारा बिल्कुल रेगुलर सेशन चलेगा, 10 AM मॉर्निंग में साइंस की क्लास आज हुई है, और यहाँ पे 12 PM पे हमारी क्या है, कंप्यूटर की क्लास हो गई। यार सेशन को शेयर करते चलिए, देखिए अभी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है, शेयर कर दीजिएगा। सारे हमारे जो मित्र हैं, हमारे परिवार से जो जुड़े हुए हैं, सारे लोग हैं, सबको सेशन कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सेशन, सबको शेयर कर दीजिएगा। और जो भी नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, संदीप सर जी के है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या है, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और जो सारी की जो हमारा सेशन है कंप्यूटर और साइंस से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। चलिए नमस्ते नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिएगा यार लाइक करते चलिए, चलिए फ्यू सेकंड्स और लेता हूँ, सेशन स्टार्ट करते हैं, फिर हम हमारे सारे साथी सारे लोग आ जाएं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए देखिएगा टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, ये जो हमारी सेशन की जो टाइमिंग है ये नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिएगा गाइस। देखिएगा हम कंप्यूटर अब बिल्कुल एक इनिशियल लेवल से स्टार्ट करेंगे, जितना भी हमने जो किया है ना, वो उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा। चलिए अब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से कंप्यूटर करेंगे, एक अच्छा कंटेंट और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं। देखिएगा गाइज, जो हमारी ग्राफिक्स इमेज रहती है, जो हमारी ग्राफिक इमेज रहती है, उसको हम किसकी हेल्प से इनपुट करते हैं बताइएगा। अगर आपने इनपुट डिवाइस वाला सेशन देखा होगा तो आप इसका क्वेश्चन इजीली दे दोगे। चलिए कमेंट करके बताइए। चलिएगा यार सेशन को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा आंसर दीजिएगा, अगर आपने सेशन इनपुट डिवाइस वाला मेरा सेशन पढ़ा होगा तो आप इसका इजीली आंसर दे सकते हो। चलिए आंसर दीजिएगा। चलिए कौन सा वो इनपुट डिवाइस है जिससे हम ग्राफिक इमेज को इनपुट कराते हैं, चलिए बताइएगा कमेंट करके बताइए। देखिए बहुत सारे लोगों का सही आंसर है, चलिए कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज है। एक बार बिल्कुल केयरफुली रीड आउट कीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, केयरफुली रीड आउट कीजिएगा, देन उसका आंसर दीजिए। चलिए देखिएगा क्या आंसर है इसका गाइस, स्कैनर। देखिएगा स्कैनर फर्स्ट आंसर है इसका, और गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर दीजिएगा क्या है यार, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। देखिए सारी मेहनत आप लोगों के लिए है ना, इसमें क्या कंजूसी करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के लिए है ना, बेनिफिशियल आपका ही है इसमें, है ना। तो सेशन को आप जितना हो सके उतना, जो भी आपके स्टूडेंट्स हो, है ना, जो भी आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप हो, जो भी हो, सर हर एक जगह पर शेयर कर दीजिएगा, है ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा निम्नलिखित में से किस स्पेसिफिकेशन का प्रोसेसर की स्पीड का कम प्रभाव होता है बताइएगा। Which of the following specification has less effect on the speed of
प्रोसेसर, प्रोसेसर की जो तीव्रता या फिर जो उसकी स्पीड रहती है उस पे ऐसा कौन सा प्रोसेसर रहता है जिसका कम प्रभाव होता है? चलिए कमेंट करके बताइए। चलिए कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए, देखिए बिल्कुल दो लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए यह कौन सा वो प्रोसेसर रहता है जो कौन सा वो स्पेसिफिकेशन रहता है जो हमारे प्रोसेसर की स्पीड को कम करता है। देखिएगा क्या रहता है, कैश। देखिएगा इसका क्या है, फर्स्ट आंसर है, नोट डाउन कर लीजिएगा आंसर क्या है गाइस, फर्स्ट आंसर है। अगर आपने मेरा हर एक सेशन देखा होगा क्वेश्चन आंसर का, तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है प्रीवियस सेशन में भी। बिल्कुल सही, देखिएगा बहुत सारे लोगों को सही आंसर है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर दीजिएगा क्या है। एक ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर गोल पहिए के द्वारा छपते हैं, बताइएगा कौन सा प्रिंटर है जिसमें जो हम जो अक्षर को जो छपाई होती है वो गोल पहिए के द्वारा छपते हैं। चलिए कमेंट करके बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे। चलिए कमेंट करके बताइए। चलिए कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। देखिए अभी भी लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोगों का सही आंसर है, कुछ लोग अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं। देखिएगा जो हमारा व्हील प्रिंटर होता है ना, जो हमारा व्हील प्रिंटर होता है उसमें क्या है, गोल पहिए के द्वारा जो छपाई होती है, आप यहां से भी देख सकते हो। देखिएगा ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, व्हील से रिलेट आप कर सकते हो जो व्हील प्रिंटर होता है। चलिए सेशन को शेयर करते जाइए, अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, आप लोग शेयर करते जाइए, है ना। मैंने आपको ये सारी चीजें जो मैंने प्रीवियस सेशन लिया हुआ है उसमें आपको दी हुई है। चलिए इनपुट डिवाइस नहीं है, बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, कौन सा इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है? चलिए बताइए, अगर आपने इनपुट डिवाइस वाला सेशन देखा होगा तो आप इजिली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है कमेंट करके बताइए। देखिए कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, मैंने आपको इसमें से सारे के सारे इनपुट डिवाइस कराए हुए हैं। अगर आपने सेशन देखा होगा मैंने आपको सीआरटी भी बताया है ना कि सीआरटी क्या है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। देखिए इसमें से कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको जिसका प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया ना हो, है ना। चलिए देखिएगा बहुत सारे लोगों का सही आंसर है, बिल्कुल कैथोड रे ट्यूब, है ना, सीआरटी, जो हमारे बहुत पुराने जो कंप्यूटर होते थे उसमें इस ट्यूब का क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। जो हमारे हैवी टेबल कंप्यूटर्स रहते थे उसमें हम इसका यूज करते थे सीआरटी का। चलिए देखिएगा क्या आंसर है गाइस इसका, सीआरटी, देखिएगा फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट है। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिएगा, चलिए इसका आंसर दीजिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिएगा। कंप्यूटर में लगे अन्य उपकरण या प्रिंटर द्वारा उत्पन्न ध्वनि कहलाती है, बताइएगा जो साउंड आता है, कमेंट करके बताइए। यार देखिए जो क्या है, देखिए हमको क्या है, सारे स्टूडेंट को अपन साथ में लेके चलेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि हम स्पीड जैसे अपन तेज भी कर देंगे, कुछ स्टूडेंट लैग करेंगे तो कोई मीन नहीं रहेगा, है ना। तो अपन को बिल्कुल आराम से सारी चीजें इत्मीनान से पढ़ना है ना। देखिएगा जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, जो हमारा सेशन है अब हमने फिर से एक इनिशियल लेवल से स्टार्ट किया है इसको,
है ना, और ये सारी चीजें हम एक अच्छे कंटेंट की ओर जाते रहेंगे। चलिए देखिएगा, कंप्यूटर में लगे अन्य उपकरण या प्रिंटर द्वारा जो उत्पन्न जो साउंड निकलता है, क्रिएट होता है ना, वो बताइएगा क्या कहलाती है। चलिए बताइए उसको हम क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए। चलिए कमेंट करके बताइए यार। देखिए अभी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है ना। देखिए ये सेशन पॉसिबल तभी होती है ये सारी चीज़ें जब आप उसमें क्या हेल्पफुल रहो, या फिर आप उस सेशन को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, है ना। सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होती हैं गाइस, है ना। तो आप बिल्कुल जो भी ग्रुप हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे जिनको पता नहीं है ना, तो आप शेयर करिए चीज़ों को, जितना हो सके उतना शेयर करिए। चलिए देखिए बहुत सारे लोगों का सही, कुछ कुछ लोगों का सही आंसर भी है, कुछ कुछ लोग आंसर रॉन्ग भी कर रहा है। यार एक बार केयरफुली रीड आउट कीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन उसके बाद आंसर दीजिए। क्वेश्चन हमारा बोल क्या रहा है एक बार देखिएगा, देखिएगा उस नॉइज को क्या कह लेते, क्या कहते हैं, देखिएगा उसको क्या कहते हैं, व्हाइट नॉइज कहा जाता है। उस नॉइज को हम क्या कहते हैं, बी आंसर इसका करेक्ट है गाइज, है ना। जो हमारे उपकरण या प्रिंटर द्वारा जो ध्वनि निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट नॉइज कहते हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिएगा। चलिए बताइए सीपीयू का एक भाग होता है, बताइए कौन सा पार्ट है इनमें से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ सीपीयू, बताइएगा कौन सा पार्ट होता है सीपीयू का। देखिए बिल्कुल सारी चीजें बेसिक्स होंगी यार। देखिए अगर आप लोग हेल्पफुल रहोगे, आप लोग इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जल्द मतलब आएंगे, आप लोग शेयर करोगे सब करोगे, तभी सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी, है ना। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाओगे तो पल बिल्कुल, देखिए क्लास तो कंटिन्यू अब चालू हो गई है जैसा कि मैंने आपको टाइम बताया, तो आप लोग शेयर करने में बिल्कुल हेजिटेशन नहीं कीजिए, हिजकिए नहीं, बिल्कुल आप चलिए आगे। चलिए कमेंट करके बताइएगा, सीपीयू का एक भाग होता है। देखिए अभी भी लोग कंफ्यूज हैं, है ना, अभी भी लोग कंफ्यूज हैं यार। एक बार बिल्कुल केयरफुली रीड आउट करिएगा क्वेश्चन को, फिर आप बताइएगा। देखिए सीपीयू का जो भाग होता है वो गाइस क्या होता है, एएलयू। थर्ड आंसर जो है हमारा क्या है, एएलयू, है ना। ये मैंने आपको बताया इसका फुल फॉर्म बताया क्या होता है ना, ये सारी चीजें हमने की है, एएलयू अरिथमेटिक लॉ लॉजिकल यूनिट। चलिएगा, चलिए देखिए बहुत सारे लोगों का सही आंसर है, किसी ने सीआरटी, भाई सीआरटी ऑप्शन ही नहीं है इसमें, देखिएगा क्या है, एएलयू। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिएगा। बताइए इंस्ट्रक्शन के समूह है जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है क्या कहलाते हैं, बताइए। जो हमारा ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन रहते हैं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमारे कंप्यूटर को क्या डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं बताइएगा, उनको हम क्या कहते हैं। चलिए कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए उनको हम क्या कहते हैं, कौन से ऑप्शन में से कौन सा सही है। चलिए कमेंट करके बताइए क्या कहते हैं यार, शेयर कर दी। देखिए अभी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है, सेशन को आप लोग शेयर करते जाइए ताकि हमारे सारे साथी सारे लोग आ जाएं। चलिए देखिएगा, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का सही आंसर है। चलिए देखिएगा क्या कहते हैं इसको गाइस, प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम, है ना, प्रोग्राम कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते जाइएगा, और वैसे ही आप लोग समझदार हैं तो ये सब बताने की जरूरत ही नहीं है। चलिए देखिएगा कौन सा ऑड है, बताइएगा। निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात करें, बताइएगा, फाइंड आउट द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। चलिए कौन सा ऑड है, चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑड है। इनमें से कौन सा ऑड है बताइएगा। बताइए ऑड कौन सा है इनमें से।
सीधा आप क्वेश्चन देख के ही बता सकते हो कि ऑड कौन सा है। यार बहुत सारे लोग जॉयस्टिक आंसर दे रहे हैं, है ना। जॉयस्टिक मैंने आपको बताया, अगर आपने डिवाइस पढ़े होंगे उसमें बताया है, एक बार अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। देखिए बहुत सारे लोगों का सही आंसर आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आंसर बहुत सही आ रहा है। देखिएगा इनमें से कौन सा ऑड है गाइस। प्रिंटर जो है इन तीनों चीज़ों से अलग है, ठीक है। जो प्रिंटर होता है हमारा तीनों चीज़ों से अलग है। प्रिंटर जो होता है गाइस देखिएगा तीनों चीज़ों से विषम है, अलग है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चलिए इसका आंसर दीजिएगा। चलिए इसका आंसर दीजिए। बहुउत्तरी प्रश्नों के उत्तरों को निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जांचा जा सकता है। देखिएगा जो जांचने वाला है, ठीक है, जो हम चेक करते हैं, ठीक है, जो हम आंसर को क्या करते हैं गाइस, जो हम चेक करते हैं, बताइए किसके द्वारा चेक किया जाता है। चलिए कमेंट करके बताइए किसके द्वारा चेक किया जाता है। चलिए किसके द्वारा, जो हमारी ओएमआर सीट होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, है ना। चलिए देखिए बहुत सारे लोगों को सही आंसर आना शुरू हो गया। देखिएगा ओएमआर है ना, और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है MICR, मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ ये आपको पता होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा MICR क्या होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस सेशन, अगर आपने बिल्कुल सिंसियरिटी से देखा होगा तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए डॉट मैट्रिक्स को किस पोर्ट से जोड़ते हैं, बताइएगा। जो डॉट मैट्रिक्स, सबसे पहले तो ये बताइए डॉट मैट्रिक्स होता क्या है, है ना। सबसे पहले आप लोग ये बताइए डॉट मैट्रिक्स होता क्या है। चलिए बताइए डॉट मैट्रिक्स को किस पोर्ट से जोड़ते हैं। सबसे पहले आप ये बताइएगा जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स देखिए प्रिंटर दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको कभी कभी गाइस ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉट मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। डॉट मैट्रिक्स क्या होते हैं गाइस, प्रिंटर होते हैं, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो किस पोर्ट में कनेक्ट किया जाता है, ये कमेंट करके बताइएगा। देखिए अब बहुत सारे लोगों का आंसर है यूएसबी पोर्ट, लोग आंसर दे रहे हैं, लेकिन एक बार और केयरफुली रीड आउट कीजिएगा। देखिएगा गाइस जो चलिएगा देखिएगा इसको देखिएगा जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है गाइस, हम इसको पैरेलल पोर्ट में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम किस में कनेक्ट करते हैं गाइस, पैरेलल पोर्ट में कनेक्ट किया जाता है इसको, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। पैरेलल यूएसबी में हम इसको कनेक्ट नहीं करते हैं, पैरेलल पोर्ट में इसको कनेक्ट किया जाता है। और ये आप बताइएगा, मैंने आपको ये भी बताया यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, है ना। यूएसबी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या होता है। यार आप लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट को ऐड करोगे तभी ये सारी चीजें पॉसिबल रहती है ना। हम इसका थोड़ा थोड़ा ये सारी चीजें भी एज अ थ्योरेटिकल पोर्शन भी हम सारी चीजें देखते रहेंगे, लेकिन आप वो आपकी ड्यूटी है। देखिए मेरी ड्यूटी क्या है, आप लोगों को पढ़ाना, ठीक है। अब वो आपकी ड्यूटी है कि आप कहाँ कहाँ किस किस ग्रुप में किस किस फ्रेंड्स को आप शेयर कर रहे हो, ये आपका काम है। चलिएगा देखिएगा क्या होता है, पैरेलल पोर्ट होता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए बताइए आउटपुट यूनिट नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा आउटपुट यूनिट नहीं है। चलिए कमेंट करके बताइए, बिल्कुल यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, बहुत सही। देखिए चलिए कमेंट करके बताइएगा आउटपुट यूनिट नहीं है। चलिए कमेंट करके बताइएगा कौन सा आउटपुट यूनिट नहीं है, बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आउटपुट यूनिट, कमेंट करके बताइएगा कौन सा नहीं है। चलिए बताइएगा कमेंट करके बताइए। देखिए गाइज उसने ये नहीं पूछा है कि कौन सा आउटपुट यूनिट है,
उसने क्या पूछा है देखिएगा, नहीं है, आप लोग पहले रीड आउट अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अभी किसी का कमेंट डी आया है ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि ये सारे के सारे जो है आउटपुट यूनिट है, वो क्या पूछ रहा है, नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, फिफ्थ होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है, देखिएगा फिफ्थ आंसर होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिएगा। चलिए बताइएगा, पंच कार्ड को सबसे पहले पेश किया, बताइएगा, चलिए कमेंट करके बताइए, पंच कार्ड को सबसे पहले पेश किया किसने दिया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, है ना, किसने इंट्रोड्यूस किया था पंच कार्ड को, बताइएगा। जो पहला सेशन था, जो फर्स्ट क्लास थी हमारी कंप्यूटर की, उसमें मैंने ये आपको बताया था, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, है ना। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, जो हमारे जो पंच कार्ड थे उसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, कमेंट करके बताइएगा किसने इंट्रोड्यूस किया था। चलिए देखिए, बहुत सही, बहुत सारे लोगों का सही आंसर है, देखिए गाइस किसने किया था, डी आंसर है, जो हरमन हेलोरेथ साहब थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर में कैपेसिटर कंपोनेंट का सिंबल होता है, जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर में जो कैपेसिटर्स रहते हैं उसका आपको सिंबल बताना है कि उसको हम किस किस से इंडिकेट करते हैं। चलिए बताइएगा उसका सिंबल क्या होता है कैपेसिटर का, देखिए कैपेसिटर आप उसके वर्ड से ही सिंबल फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बताइएगा कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है, चलिए देखिएगा किससे हम डिनोट करते हैं, इसको सी से करते हैं, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट है ना, इसको हम किससे करते हैं, सिंबल को किससे डिनोट करते हैं, सी से करते हैं। चलिए देखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, बताइएगा, जस्ट अभी अभी हमने ये किया था और नाम से ही प्रिंटर है तो आप समझ सकते हो क्या है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है। चलिए बताइए, कभी कभी आपको ऐसा डॉट ना देके ए भी आपको ऐसा दे देते हैं डॉट मैट्रिक्स, चलिए बताइएगा क्या है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है। यार देखिए ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए है ना, अब आप लोगों का काम है एक ही शेयर करना, लाइक करना, है ना, एक्चुअली ये मेरा काम क्या है, आप लोग तक पहुंचाना, ये साला डिलीवर्ड करना, है ना, अब आप लोग शेयर कीजिए। चलिए बताइएगा क्या है, चलिए देखिएगा क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस है, देखिएगा मैंने एक सेशन आपको क्या दिया था, इनपुट डिवाइस का मैंने आपको एक सेशन दिया हुआ है ना, और एक सेशन में आपको आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड एक सेशन दे दूंगा, उसमें जो भी आउटपुट डिवाइस होंगे उनका फंक्शन क्या है, कैसे ऑपरेट किए जाते हैं, वो चीज बता दूंगा, है ना गाइज। ये दो ऐसे टॉपिक है जो रिसेंटली जो एग्जाम का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये दो टॉपिक से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर का मेन बोर्ड कहलाता है, बताइएगा कंप्यूटर का जो मेन बोर्ड होता है गाइस, कंप्यूटर का क्या होता है, जो मेन बोर्ड होता है वो क्या कहलाता है, बताइएगा कंप्यूटर का जो मेन बोर्ड है कहलाता है, बताइए, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, फादरबोर्ड की माउस, बताइए क्या कहलाता है। तो मेन बोर्ड होता है कंप्यूटर का, क्या कहलाता है, चलिए देखिए बहुत सही, बहुत सारे लोगों का सही आंसर, क्या बोलते हैं गाइस इसको, हम मदरबोर्ड कहते हैं, है ना, मदरबोर्ड कहा जाता है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा
ALU का अर्थ क्या है चलिए बताइए, ALU का कार्य क्या है बताइएगा, ALU क्या वर्क करता है ये बताइएगा। ALU जैसा कि हमने फुल फॉर्म जस्ट अभी अभी देखा था, रिसेंटली जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें, चलिए इसका वर्क बताइएगा क्या होता है, ALU का वर्क बताइए क्या होता है। ALU का वर्क बताइएगा कमेंट करके क्या होता है ALU का वर्क। चलिए बताइए क्या वर्क होता है, बिल्कुल कैलकुलेशन, बहुत सही, मैथमेटिकल ऑपरेशन को क्या करता है, कैलकुलेट करता है। चलिए देखिएगा फर्स्ट आंसर है, जो हमारी गणित की जो प्रोसेसिंग होती है, जो क्रियाएं होती है उनको क्या करता है गाइस, कैलकुलेट करता है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिएगा, प्रिंटर की तकनीक कौन कौन सी है चलिए बताइएगा, टेक्निक्स ऑफ प्रिंटर्स, प्रिंटर की आपको टेक्निक्स बताना है कौन कौन सी बताइए कमेंट करके। देखिएगा जो जो प्रिंटर रहते हैं हमारे वो बेसिकली कैटेगराइज रहते हैं, है ना, कुछ इम्पैक्ट में रहते हैं, कुछ हमारे नॉन इम्पैक्ट में रहते हैं। है ना, तो गाइस देखिएगा जो इसकी जो टेक्निक्स है वो क्या रहती है, देखिएगा फर्स्ट आंसर करेक्ट है ना, जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट कैटेगराइज रहते हैं, है ना, ये सारी चीजें बिल्कुल एक एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यूपीएस, चलिए बताइए फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, यूपीएस का पूरा नाम बताइएगा क्या है। यूपीएस ऑलमोस्ट लगभग मैंने आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो फुल फॉर्म है वो मैंने आपको सब दिए, अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा होगा है ना उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी और गाइस यही आपकी एग्जाम में पूछा जाता है ना। चलिएगा चलिए कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखिएगा, इसका यूपीएस का पूरा नाम बताइए कमेंट करके, यूपीएस बताइए कमेंट करके बताइए क्या है। चलिए देखिएगा बहुत सही, क्या होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, देखिएगा इसका क्या है फर्स्ट आंसर है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। देखिए मैं बिल्कुल ऑब्वियसली फुल फॉर्म आपको पता होगा लेकिन कभी कभी हम क्या कर देते हैं जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिएगा, डीपीआई का अर्थ बताइए क्या होता है ना, डीपीआई स्टैंड्स फॉर, चलिए बताइएगा डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है कमेंट करके बताइए, डीपीआई, चलिए कमेंट करके बताइए डीपीआई। चलिएगा बताइएगा डीपीआई का अर्थ क्या है, डीपीआई कमेंट करके बताइएगा क्या है। चलिए एक बार बिल्कुल केयरफुली रीड आउट करिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीपीआई का फुल फॉर्म पूछ रहा है वो आपसे, डीपीआई का फुल फॉर्म गाइस क्या होता है वो आपसे पूछ रहा है। देखिएगा क्या होता है इसका, देखिएगा डॉट पर इंच होता है, देखिएगा फर्स्ट आंसर है इसका डॉट पर इंच डीपीआई का, देखिएगा बहुत सारे लोगों का गलत आंसर है, एक दो लोगों ने सही आंसर भी दिया, देखिएगा डॉट पर इंच इसका आंसर है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चलिए ये रहा, चलिए बताइएगा माइक्रो प्रोसेसर के लिए दो प्रिंसिपल आर्किटेक्चर हैं बताइएगा, जो माइक्रो प्रोसेसर के लिए दो क्या हैं प्रिंसिपल आर्किटेक्चर कौन कौन से हैं कमेंट करके बताइए।
चलिए बताइएगा, माइक्रो प्रोसेसर के लिए दो प्रिंसिपल आर्किटेक्चर हैं, कमेंट करके बताइए। चलिए बताइए दो प्रिंसिपल आर्किटेक्चर कौन कौन से हैं, कमेंट करके बताइएगा। देखिएगा बहुत सारे लोगों का रॉन्ग आंसर है गाइज, एक बार अच्छे से देखिएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिए किसी ने सही दिया है, मनोरंजन जी का सही आंसर है, बिल्कुल बहुत सही, सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। देखिए दीनदयाल कुमार जी का सही आंसर, देखिएगा गाइस क्या है, इसका सेकंड आंसर है डीईसी और आईबीएम है ना, ये दो प्रिंसिपल आर्किटेक्चर है माइक्रो प्रोसेसर के, नोट डाउन कर लीजिएगा। और गाइस देखिएगा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस पर गौर कीजिएगा। देखिएगा ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा है ना, देखिए मेरा काम क्या है गाइस, पढ़ाना है, मैं आपको डिलीवर्ड कर रहा हूँ सारी चीज़ें है ना, अगर आप लोगों की ड्यूटी क्या है उस चीज़ को शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में है ना, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लाना, लाइक करना, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। तो गाइज देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगा है ना, अच्छे से पढ़ाऊंगा, और अगर आप लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और आते हैं देखते हैं है ना, तो मैं आपको कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं गाइज कंप्यूटर में जिसकी थ्योरी आपको एग्जाम में देखने को मिलती है ना, अब वो आपका काम है कि आप स्टूडेंट्स को जोड़ें। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट स्ट्रेंथ मेरे को अच्छी लगती है कि हाँ सफिशिएंट है, सो गाइस देखिएगा मैं थ्योरी की कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं जो बिल्कुल आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको कराना शुरू कर दूंगा है ना। तो देखिएगा वो आपका काम है कि आप बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सेशन को है ना, अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है तो देखिएगा इस मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको कराते रहूँगा क्वेश्चन सेट है ना। अगर आप लोग पॉसिबल वो चीज़ बनाते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो तो मैं टॉपिक वाइज आपको थ्योरी करा दूंगा, जैसे माइक्रो प्रोसेसर ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा पूरा है ना, जो हमारे आउटपुट डिवाइस हैं, जो हमारी चिप्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल करा दूंगा, और इनसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे है ना। तो अब आपका काम क्या है गाइस, शेयर करना। तो एक बार और देख लीजिएगा यहाँ पर मैं आपको टाइम बता देता हूँ बिल्कुल। अब ये जो हमारी क्लास है गाइस बिल्कुल कंटिन्यू होगी, देख लीजिएगा जो हमारा 10 AM मॉर्निंग में साइंस की क्लास होती है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा, मॉर्निंग में हमारी साइंस की क्लास होगी, और 12 PM पर डे हमारी किसकी होगी, कंप्यूटर की क्लास होगी। इस दोनों सेशन में हम क्या, अभी हमारा क्या चल रहा है, क्वेश्चन सेट चल रहा है ठीक है। ये देखिएगा कंप्यूटर में जैसा कि मैंने आपको बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और रहेंगे तो मैं थ्योरी कराना शुरू कर दूंगा। चलिएगा आज के लिए इतना ही, एक बार ये टाइमिंग नोट डाउन कर लीजिएगा है ना, ये हमारी टाइमिंग है, और ये जो सेशन है बिल्कुल रेगुलर होगा, पर डे होगा, नो डाउट है ना। चलिएगा एक बार थम्सअप करके बता दीजिएगा सेशन आपको कैसा लगा है। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।